नीलूज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम गुजराती खाकरे की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चटपटे, मसालेदार और टेस्टी बनेंगी। वैसे तो खाकरा बनाने के लिए हमें बहुत सारा समय और मेहनत की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज हम जिस ट्रिक से ये खाकरा बनाएंगे उससे आपका समय और आपकी मेहनत दोनों बच जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस अनोखी ट्रिक को। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है एक कढ़ाई। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के अंदर ही हम डाल देंगे 1 कप बेसन। यहाँ पे हमने बारीक वाला बेसन लिया है, ये बिल्कुल भी मोटा या दरदरा नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा, 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैंने 2 से 3 कलियां लहसुन को बहुत ही बारीक काट कर इसमें डाला है। आपको बहुत ही फाइनली चॉप करना है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने पानी वानी कुछ नहीं डाला है, बस जो हमने तेल डाला था उसी में हम ये मसाले और बेसन को भून लेंगे। देखिए बेसन को आपको हल्का भूरा रंग आने तक भूनना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाए और खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी इससे। तो ये देखिए ये हमारा बेसन और मसाले अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे जैसे ही रोस्ट किया है तो इसमें हल्के हल्के लम्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमने इसमें तेल डाला है और कुछ नहीं डाला है। तो तेल हल्का सा जब बेसन में मिक्स होगा तो इसमें हल्के हल्के लम्स होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसे आटा डालकर रब करके इसे हम फिनिश करेंगे। तो पहले हम डाल देंगे इसमें आटा 1 कप, फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करते वक्त ही हम देख लेंगे कि जो इसमें जो गुठलियां या जो लम्स है उसे इस तरीके से रब कर करके हम इन सारी गुठलियों को हटा देंगे। बहुत ही इजीली ये हट जाती है बिना कोई परेशानी के। आप इसे छान नहीं सकते, अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसे छान लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने इसमें लहसुन और कसूरी मेथी वगैरह डाला है। तो आप बस इसे हाथों से रब करें और इसमें पानी डालकर देखिए कड़ा आटा आपको गूंद लेना है। यहाँ पे आपको आटे को सॉफ्ट नहीं गूंदना है, आटे को हल्का कड़ा गूंदना है ताकि आपके खाखरे अच्छे से बन जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे अब एक बेलन पाटा ले लिया है और यहाँ पे आपको छोटे छोटे लेमन साइज के इस तरीके से बॉल बनाने हैं। यहाँ पे मैं 2 बॉल बनाऊंगी और एक साथ आपको 2 खाखरे बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आप इसे जरूर ट्राई करिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पूरी के साइज का इसे बेल लेना है, और जितनी बड़ी आपने एक पूरी की साइज की इसे बेला है उतना ही आपको दूसरा वाला भी बेलना है। ना आपको छोटा बड़ा करना है और ना आपको मोटा पतला करना है, बिल्कुल एक ही साइज का दोनों को हमें बेल लेना है। और इसके अंदर आपको लगाना है तेल। देखिए तेल को आपको हाथों से लगाना है अच्छी तरीके से, ब्रश से लगाने से ये कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा और बहुत ही कम लगेगा। तो आपको हाथों से अच्छी तरीके से ऑयल लगाना है, बीच में आटा डालना है और आटे को भी अच्छी तरीके से फैलाकर सब जगह पर स्प्रेड करना है ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। अब दोनों को हमें इस तरीके से चिपका देना है और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके हम इसे बेल लेंगे। बहुत ही इजीली देखिए ये बेल कर तैयार हो जाता है बिना कोई परेशानी के, और बहुत बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसे ट्राई जरूर जरूर करिएगा। तो देखिए हमें इस तरीके से इसे रोटी की तरह बेल लेना है, बिना कोई परेशानी के ये बेल कर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ हमने थोड़ा हम बना रहे हैं, आपको 2 कप आटे का बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर मैंने आटे को ढका नहीं है कपड़े से। आप यहाँ पर अगर ज्यादा क्वांटिटी पे बना रहे हैं तो इसे इस तरीके से गीले कपड़े से या फिर हल्के सूखे कपड़े से ढककर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे एक ढक्कन से काट कर इसे एक अच्छा शेप दे दिया है, और देखिए मैं इसे अब अलग कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से देखिए ये अलग हो चुका है, आप खुद ही देखिए कि आपकी आंखों को यकीन हो रहा है, हमने दोनों को एक साथ बेल कर देखिए अलग कर लिया है। इसी तरीके से अब मैं आपको एक दूसरा वाला भी बनाकर दिखाऊंगी।
तो देखिए मैंने फिर से यहाँ पे दो छोटे छोटे लेमन साइज के बॉल ले लिए हैं। इन्हें हम पूरी के साइज का बेल लेंगे। और प्लीज अगर आपको अच्छे और बिना कोई परेशानी के ऐसे खाकरे बनाने हैं तो आपको तेल और आटा बीच में अच्छे तरीके से लगाना होगा, तभी ये अलग होंगी। यहाँ पे पहले मैंने आपको बेलने के बाद ही अलग करके दिखाया था, लेकिन अब हम बेलेंगे और इसे तवे में अलग करके दिखाएंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में हमारे रुमाले रोटी के समय मैंने जो दिखाया था वही ट्रिक हम इसके लिए भी यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं दो खाकरे आपको एक साथ बनाकर दिखा रही हूँ, लेकिन आगे मैं एक साथ तीन खाकरे एक ही बार बेलकर दिखाऊंगी। तो देखिए हमने इसे भी बेल लिया है, इसे भी हम अब एक बड़े ढक्कन से काट लेंगे ताकि ये बिल्कुल मार्केट की तरह गोल गोल अच्छे शेप के बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे भी काट लिया है और अब हम तवे को रख देंगे एक साइड गरम करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल रोटी की तरह पतला बेला है, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा मोटा बेलिए ताकि आपको इसे निकालने में आसानी हो। तो ये देखिए गरम तवे में हमने इसे डाल दिया है और हल्का हल्का हम इसे प्रेस करके सेक लेंगे ताकि इसमें जैसे बबल्स आने लगेंगे तो ये दोनों रोटियां देखिए अलग होने लगेंगे। है ना मजेदार ट्रिक, बिल्कुल जादुई ट्रिक। इससे आपका समय बहुत बचेगा, एक ही बार में आप दो दो खाकरे बनाकर इस तरीके से रेडी कर पाएंगे। ये देखिए अगर आपको लगे कि ये निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाकू से इसे इस तरीके से डालकर बीच में अलग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। अब हमें हल्का हल्का तेल लगाकर इसे कपड़े से प्रेस कर करके इसे आपको सेकना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि गैस के फ्लेम को आपको धीमा रखना है क्योंकि हमारी जो रोटियां हैं जो खाखरे हैं बहुत ज्यादा पतले हैं, वो अगर आप ज्यादा हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो वो जल जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे धीमी धीमी आंच में अच्छा करारा होने तक प्रेस करके बना सेक लिया है। अब ये दो रोटियां जो दो खाकरे हैं हमने बेलते वक्त अलग किए थे वो है, इसे हम एक एक करके सेक लेंगे। अगर आपका तवा छोटा है तो देखिए आप इस तरीके से इसे सेकते समय अलग कर लें और एक एक करके आप इसे प्रेस करके तेल लगाकर सेक सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और करारा ये खाकरे बनकर तैयार होते हैं। और मजे की बात ये है कि आप इसे एक बार बनाइए और स्टोर करिए और महीने भर इसे खा सकते हैं, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक साथ तीन खाकरे एक ही बार बेलकर बताऊंगी कैसे अलग होंगे। देखिए हमने फिर से यहाँ पे पूड़ी की साइज की छोटी छोटी ये रोटियां बना ली है। इसके बीच में हम अच्छे तरीके से तेल लगाएंगे और आटा लगाएंगे ताकि ये जब बेलकर हम तैयार करेंगे सेकते समय इजीली अलग हो जाएंगी। बहुत बहुत ज्यादा आसानी से बनकर तैयार होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम बहुत बच जाता है इसमें, इसीलिए मैं तो हमेशा इसी तरीके से इसे बनाना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पर आटा और तेल अच्छे तरीके से लगाकर इसे तीनों को एक साथ चिपका लिया है एक के ऊपर एक, और थोड़ा सा आटा डस्ट करके मैं इसे बेल रही हूँ जिसे हम अभी हमने दो एक साथ खाकरे बनाते वक्त बेला था उसी तरीके से नॉर्मली रोटी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसे बेल लेना है। और देखिए ये थोड़े थोड़े से जो एजेस है वो क्रैक हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसे ढक्कन से काट लेंगे तो ये बिल्कुल राउंड शेप का बन जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे बेल कर रखना चाहते हैं तो आप इसे ढक कर रखें वरना ये सूखने लगेगा। तो ये देखिए हमने तवे को गर्म कर लिया है और अब हम ये डाल देंगे हमारी जो तीन एक साथ हमने खाकरे बनाए हैं उसे। और देखिए जैसे ये सिकने लगा है बिल्कुल तुरंत ही अलग होना शुरू हो चुका है। आपके सामने मैं पूरा वीडियो इसी तरीके से दिखा रही हूँ, ना हमने कट किया है ना हमने इसे फॉरवर्ड या स्पीड किया है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से देख पाए कि किस तरीके से अलग होता है। तो ये देखिए बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसे हैंडल करने में बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी बहुत परेशानी होगी आपको, तो आप इसे स्पैचुला से या फिर आपके चम्मच से इसे अलग कर ले इजीली। ये देखिए क्या आपने देखा तो आपको यकीन हुआ कि हमने तीनों को एक साथ बेला और इसे हमने सेकते वक्त इसे अलग बहुत ही आसानी से कर लिया।
आप इसे जरूर जरूर बनाकर देखिए। मैं आपको एक ही बात बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये जो ट्रिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो देखिए हमने इसे तिल लगाकर प्रेस करके सेक लिया है। अब इसी तरीके से हम सारे खाकरे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए ये हमारे सारे खाकरा तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी और कुछ ही मिनटों में हमने इसे बना लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने पतले बने हैं और कितने करारे बने हैं। ये देखिए आप देख ही सकते हैं कि कितने क्रिस्पी हैं और बहुत बहुत ज्यादा पतले बने हैं और बहुत ही जल्दी बन चुके हैं। बहुत ही करारे और बहुत ही मजेदार बने हैं। मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है।